नमस्कार, मैं हूं रचना, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। आइए बात करते हैं इस वक्त की ताजा खबर। कैसरबिंद मुख्यालय से मात्र चंद किलोमीटर दूर स्थित गंडारा बाजार में पुलिस चौकी गंडारा के पुलिस कर्मियों द्वारा बाजार के संभ्रांत व्यापारियों पर अभद्र अपमानजनक टिप्पणी, गलत आचरण, अक्षोभनीय एवं भद्दी भद्दी गालियां देते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने की धमकी से क्षुब्ध व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया। प्राप्त जानकारी पीड़ित व्यापारियों के अनुसार स्थानीय गंडारा बाजार निवासी गिरजा शंकर गुप्ता अपने वाहन को लाकर वैदिक विधि से पूजा पाठ कराने के लिए किनारे सड़क पर लगाकर घर पर कुछ अन्य पूजा की सामग्री लाने के लिए चले गए। कुछ समय अंतराल वहां पर पहुंचे दो पुलिसकर्मियों ने अपने वाहन का फोटो खींच लिया। वहां पहुंचकर अपने वाहन को हटाने की बात कहते हुए उक्त पुलिसकर्मियों से चालान न करने का निवेदन किया गया, परंतु वर्दी के नशे में चूर पुलिसकर्मियों द्वारा यह भूलते हुए कि बहराइच की पुलिस शत्रु नहीं आम जन की मित्र है, व्यापारी को सामूहिक रूप से अक्षोभनीय रूप से गाली देते हुए यह कहकर कि सड़क तुम्हारे बाप की है आदि अक्षोभनीय संबोधित करते हुए अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। इस घटना के बाद व्यापारीगण उनके कृत्यों की उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कहते हुए अपने बेबसी में अपने दुकान गद्दी पर वापस आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद गंडारा पुलिस चौकी इंचार्ज शैलकांत उपाध्याय अपने कई पुलिस कर्मियों सहयोगियों के साथ आकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उक्त व्यापारी की दुकान से व्यापारी गिरजा शंकर को गद्दी से खींचकर अपनी गाड़ी में बिठालने लगे। इस घटना को देखते हुए सभी व्यापारियों ने लामबंद होकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद व्यापारियों को एकत्रित होते देखकर पुलिस चौकी इंचार्ज में पुलिस बल वहां से व्यापारियों पर मुकदमा लिखने की बात कहते हुए वह जेल में डाल देने की धमकी देते हुए वहां से चले आए, जिसके बाद गंडारा बाजार के संपूर्ण व्यापारियों ने पुलिस कर्मियों उत्पीड़न व गलत रवैये के खिलाफ अपनी दुकान को बंद करते हुए विरोध व्यक्त किया। व्यापारी नेता बसंत लाल गुप्ता के अनुसार उनके कार्यकाल में गंडारा बाजार में कभी पुलिस पीड़न जैसे रवैया का सामना नहीं करना पड़ा था। बहराइच की पुलिस ने हमेशा व्यापारियों का सहयोग किया था, लेकिन इन मनबढ़ पुलिसकर्मियों के रवैये ने तो व्यापारियों के दिमाग से पुलिस की अच्छी छवि को मिटाने का प्रयास किया है। व्यापारी नेता बसंत लाल गुप्ता अन्य व्यापारियों ने इस घटना की न्यायिक जांच व दोषी पुलिसकर्मियों को दंड दिलाने की मांग पर अड़े रहते हुए शासन प्रशासन व क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री से पूरी घटना को अवगत कराते हुए कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो और व्यापारी अमन चैन से अपना व्यापार कर सकें।